यार आगे चौकी वो रास्ता बंद भी बता रहे हैं, ये रास्ता खुला नहीं मिलेगा। मैं तो कहूँगी भाई साहब ऐसा करो, भाई साहब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, जाने दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। ये बहुत बहुत बेकार रास्ते से ले आए थे, गलती से इन्होंने इस रास्ते में डाल दी है ये गाड़ी। अब आप प्लीज जाने दीजिए, और आपको जाने देंगे, और आपको भी जाने देंगे ना। तो भाई हमने सोहार से शॉर्टकट लिया और ये मनाली का वो वाला हाईवे मिल गया हमें, जो मेन हाईवे है। हमने अपने 2 घंटे बचा लिए भाई। ये भाई मनाली का हाईवे है और ये देखिए हाईवे से लगा हुआ है यहाँ पे, ये रिवर है, शायद सुतलज रिवर है, बहुत खूबसूरत है। अब इन्हें भी चस्का आ गया बाहर आने का, मैं तो कह रहा हूँ इतनी देर से आके देखो कितना खूबसूरत है ये भाई, हम एकदम एज पे है यार। नहीं पर ये मिट्टी डाल के काफी वैसा है। मेरा तो वहाँ जाने का मन कर रहा है। हेलो भाई लोग, ये तो ऐसे करते रहते। हेलो भाई लोग, तो भाई लोग अभी मनाली यहाँ से बहुत दूर है। देखो आदित, इधर आ जाओ। तो भाई एक थोड़ा सा कुछ है, चीड़ के पेड़ वेड़ है यहाँ पर, और हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी देर यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, जिसमें हम चाय वाय पियेंगे और मैगी भी खाएंगे, ब्रेड भी खाएंगे। लग रही है भूख बहुत तेजी से। और आप लोगों को एक व्यू और दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा साइड, वो वहाँ पूरी बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, वो बर्फ गिरी हुई है सब पहाड़ों पे। अभी हम वहीं जाएंगे, शायद उधर ही जाएंगे ना हम लोग। पता चल रहा है तो अच्छा है, व्यू तो बहुत प्यारा है। तो भाई ये कुल्लू से 15 किलोमीटर पहले का एरिया है, जहाँ पे हम लोगों ने एक एरिया ढूंढा है जिसमें हम कैंपिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं, मस्त चाय बनाते हैं भाई। कार इधर ले गया, अच्छा तेरे लिए कार इधर लाए, जल्दी आओ, इतना तो पैदल जा सकते हो। पापा ये इतना लेजी क्यों है? तेरा ही भाई है, आ जा। आप भी लेजी हो पापा। आदित स्टार्ट करो, यहाँ पे फटाफट खोलो। बस ये 2 बैग ऊपर और ये देखिए हमारा रेडी किचन। ये किचन, ये हमारा, इसमें हमारी चाय पत्ती वगैरह और सब कुछ फिट आ गया ना, मजा। सारी प्रिपरेशन करके चले हो आप लोग। हाँ ये बैग हटा दो यहाँ से, हटो। आजत बोलाओ, पानी वानी सब रखा हुआ है इन्होंने। वाह, ये तुमने इसके नीचे रखा था। तो भाई हमारा ये मिनी किचन और बाकी का ये देखिए अंदर सामान, हमारी दालें हैं, बिस्किट हैं, नम सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे फिट कर रखी हैं। अभी क्या बनाना है, दाल चावल या मैगी? लाओ ड्राइवर के हाथ धुलाओ, खाना बनाएगा। जल गई, दिख ही नहीं रही है। भाई अदरक भी है, कैसे धोएंगी नहीं, क्या करूँगा। अरे रुको, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई, ऐसे नहीं होता पापा। और वो अभी मैं इसमें अदरक डालती हूँ, चीनी का तुम फिर क्या करना है, ये आओ मैं ही बनाता हूँ। नहीं ना सामान, मेरे को क्या पता किधर क्या रखा। आप लोग तो प्रो होते जा रहे हो धीरे धीरे। हम प्रो हैं और ये पता तुम लोग को अब लग रहा है? नहीं, मेरे को तो इतनी तेज लग रहा है कि बस चाय आए मिल जाए कुछ। बैठो यार पापा, आपको आज बैठ के चाय पिलाते हैं, बैठो। आप बैठो आराम से, आप पूरे रास्ते चाय चला के आए हो कह रहा हूँ, पूरे रास्ते कार चला के आए। बड़ा सुकून मिल रहा है भाई, कहना चाहेंगे। चीनी का सामने चीनी है, चीनी पहचानती नहीं हो, सफेद वाली चीनी होती है। ऐसे करके चीनी चाय पत्ती नहीं आती जिस तरीके से हम लाए, कैसे ही आती है, ये कम होती जाएगी, जगह कम होती है। और ये हमारे देखिए, ये देखिए कामचोर बच्चे, देखिए हमारे पापा, ये देखो चींटियों का घर, ये देखो, ये देखिए भाई साहब, ये काम देखिए कितना इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, चींटियों का घर देखो भाई साहब। मोबाइल तो मन करता है तोड़ के फेंकूं इनके, ये देखो। और भाई हमारी मैडम बना रही चाय। आप हमसे ज्यादा फोन चलाते हो? तो मैं काम के लिए चलाता हूँ, वैसे नहीं चलाता हूँ, पता भी नहीं चल रही है। हाँ वो फ्लेम नहीं दिखाई दे रही, हम सोचे गैस ऑन ही नहीं हुई है, पर वो गैस ऑन हो चुकी थी। और ये प्यारा सा लोकेशन है यार, ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, मस्त एकदम। और पीछे वहाँ बर्फ़ वरफ़ भी है, एक आध मकान है यहाँ पर,
रोड से थोड़ा सा ऊपर की साइड है हम लोग, मतलब रोड है नीचे। हाँ नहीं तो मैंने तो देख तो ली थी, या संगीता भी बोली थी ना कि इधर को कर लो, फिर तो इधर को दिख गया यहाँ एक रैबिट फार्म है यहाँ पर, उसको देखने के चक्कर में हम लोग आए थे। तो वहाँ तो गेट बंद है, तो हमने कहा भाई कैंपिंग यहाँ लगा लें अपनी। संगीता तुम यहाँ पे काम करते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, यही वाला तो किचन चाहिए था ना तुम्हें, तुम्हारी तो टेंशन ख़त्म। अब मेरी टेंशन भाई होटल में नहीं खा पाती है, इतना दिक्कत कर देती है। हम लोग तो खा लेते हैं, ये खाना नहीं खा सकती बेचारी। माशा भी खा लेती है, आदित को देख लीजिए ये भी खा लेता है। हाँ ये देखिए कह रही है इस पेड़ पे चढ़ूँ, जरा उसकी लंबाई तो देख कहाँ कितनी लंबाई है। गजब है, बचपन में गिर गई थी क्या बैठे। हाँ मैं ऐसे ही लग रहा है। मैं कह रही हूँ ना दूध का पैकेट रखने के, समझ में नहीं आ रही रखा कहाँ था, इसलिए रखा था ना पता नहीं। ये देखिए दूध का माँ बेटे में हो गया पंगा। देखिए फटाफट ये बिल्कुल हिलता नहीं है अपनी जगह से। चल चल के जल्दी लाए थे आदत में बिल्कुल कार, जल्दी 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 दूध मुझे आज तो ही उठा के लेके आएगा। हाँ ठीक है यही लाएगा उठा के। चल 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 देखिए देखिए फटाफट देखिए जल्दी चले जा आदत, घंटे लगाता। भाई हमारा किचन, हमारे बैग ऊपर, फिर भाई जैसे किचन क्लोज बैग नीचे। आप लोग भी भाई कर सकते हैं इसको, एंजॉय करिए लाइफ को, यही असली मज़ा है भाई। घर में बैठे बैठे तो मज़ा नहीं है भाई, बाहर आइए मज़ा करिए। ये हम लोग भी बहुत दिन से हम लोग प्लान करते थे पर कर नहीं पा रहे थे, मगर अब लग रहा है कि बस अब हमारा हर दो महीने में एक ट्रिप ऐसा होना ही होना है, या एक महीने में ज़रूर ऐसा ट्रिप करते रहेंगे। सारी थकान मिट गई भाई, कितना 700 किलोमीटर कार चलाई है मैंने, कम से कम 700। और 700 किलोमीटर के बाद ना यहाँ आके जैसे ही भाई ये सब स्टार्ट हुआ ना, सारी थकान गायब। मैंने सोचा शायद मैं एक थोड़ी देर लेटूंगा कार में या सो लूंगा थोड़ा, पर अब नींद नींद कुछ नहीं है भाई, मज़ा आ गया, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। ये देखिए ये देखिए इनकी बातें सुन लीजिए भाई साहब, ग्लेशियर पे चढ़ेगा, कोई पेड़ पे चढ़ेगा। यार तू गंदा है। चलो ये चेयर छोड़ो जरा, बहुत तेजी है। बहुत तेजी में जी यार, देखो तो इतना थक के आ रहे हैं। हम लोगों की मैट जो लेके आए थे बिछाने, मैट लगा लो या तो हम मैट बिछा लो। तो भाई ये देखिए हमारा एक और जगह जहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं छुपा के, ये ट्रेजर बॉक्स है पापा का, यूटिलाइज किया है कि आप देखेंगे तो बस कहेंगे कमाल है। ये देखिए इसमें जैकेट्स हैं, यहाँ हमारी चेयर्स हैं, और भाई ये फोल्डिंग चेयर्स हैं। आप कभी कैंपिंग का सोचें तो ये वाली चेयर्स लीजिए, विद इन अ सेकंड चेयर तैयार। बस भाई ये रखा और चेयर इज रेडी। बैठ जाओ मैम। गजब। अरे अरे गया 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 सब गया। ये क्या कर दिया, बस कर दिया गंदा। देखो ध्यान नहीं है ना, ये से काम पे नहीं रखेंगे भाई, तनख्वाह में पैसे कटने हैं इसके। अब नहीं ये बच्चे हमारे भैया दो कितना काम करते हैं। मैं चीज़ तो बताना कैसे है? अच्छा मुझे बता दो, घर में तो कोई काम नहीं करता है, बहुत काम कराती है घर में हमको। भाई ये देखिए माशा बना रही है सैंडविच, मार चीज लेके आई है दोनों की। ये गिलास ये पहले अपने स्लीव्स ऊपर कर लो जरा, कहीं पता चल रहा है इसकी कब है। आपकी टी शर्ट चोरी करी है, ये मेरी शर्ट चुरा चुरा के पहनती है भाई, तीन चार टी शर्ट मेरी लेके आई, वो सब मेरी पहनेगी। आपको मैं ऐसे चीज़ टोस्ट खिलाऊंगा कि आपने कभी खाया नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने कभी नहीं खाया होगा। भाई ये चीज़ हम खा भी नहीं सकते, खाना मत फिर। चलो फिर हम लोग इधर बैठते हैं भाई, ये बना रही है। ये देखिए भाई चाय बना के लड़की ने तुरंत तैयार हो गई ब्रेड खाने के लिए, भूख लग रही है इसको भी। ये देखिए भाई माशा का सैंडविच। ये बालों को थोड़ा फ्लेचर लगा लेती मैडम जी, गैस पे काम कर रही हो मैडम जी, इससे कुछ नहीं आता है सब। यार ऐसे मत कहा करो यार, मेरे को बहुत कुछ आता है। बस भाई आप लोगों को मेरा पोटेंशियल ये देखिए कितनी मेहनत। भाई पापा देखो इतना अच्छा आपने कभी नहीं खाया होगा, मुझे भी उम्मीद है ना। कल आना कल। नहीं यार लग तो रहा है, लुकिंग नाइस। बस वो चीज की वजह से अच्छा लग रहा है। अरे यहाँ पर हो गई है ये स्टार्ट दाल बनना,
ये मैडम बना रही दाल, मैंने मसाले सारे ला दिए थे, तो मैंने कहा दुकान से मैं नमक भी ला देता हूँ। तो बंदी मुझसे बोली कि नहीं नमक है, बहुत है, दो पैकेट रखे हैं घर पे, नमक की ज़रूरत नहीं है। नमक रखा ही नहीं है भाई, अब बिना नमक के तुम दाल कैसे खिलाओ? लेके आओ। तो ये सब हटा के मैं कहाँ से ले आऊँ? नहीं नहीं ऐसे ही चले जाओ पैदल। अरे तो कोई दुकान भी तो नहीं है, मैं क्या 3 किलोमीटर पैदल नमक लाऊं? नहीं देखो होगी कहीं साइड में। ऐसा है कोई एक घर है पास में, भाई चीज़ें मांग लेते हैं नमक। नहीं नमक किसी से नहीं मांगते। तो फिर बिना नमक की खा लो, मैं दबा लूँगा। करो क्या ये आज तुम लोगों ने? देखिए भाई ये तुम्हारी गलती है यार। ये देखिए मेरी गलती है भाई, ये देखो। हाँ गलती तुम्हारी है, मेरी गलती है। कोई पीछे से आ रहे हैं हम लोगों को डराने। क्या आप बहुत बुरे हो यार, क्या लेके आए तुम? कहाँ से? पैकेट वाले से पैसों में खरीदा क्या? पैकेट से पलटवाया? नहीं गन्ने का रस वाले का। पैकेट से दाल है, चावल है। तो देखिए भाई दाल में बना दम सीटी लग रही है, हमारा खाना एकदम रेडी, आधा घंटा लगा होगा शायद अभी। भाई ये देखिए इनका तड़का स्टार्ट, खड़ी मिर्च बना लो तुम फिर पहले फटाफट, फिर देखे खा के बताएंगे तुम्हें कैसा बनाया तुमने। तो भाई लोगों हमारा हो गया खाना तैयार, ये देखिए मस्त इसने चावल बनाया भाई, देख लो भाई गजब ही बनाया भाई चावल। दाल चावल मैंने बहुत अच्छा बनाया, मस्त एकदम बढ़िया। ये देखिए भाई अरहर की दाल, नन्नू आदित्य को दो। क्या है? सोया नहीं था मैं, हट। चलो उठना सर। तो भाई ये देखिए इनका सबका हो गया लंच, क्योंकि स्टार्टिंग कैसा बनाया मेगा? मेरा मैं अभी तो खाया नहीं। वेलकम। अच्छा इसमें मक्खन डाल सकता हूँ क्या? तो भाई लोगों ये हमारी हो रही है कैंपिंग, मस्त हमारा खाना चल रहा है बाहर नेचर के करीब, बिल्कुल मज़ा आ गया एकदम। तो भाई हर कैंपिंग का सबसे ज़रूरी और सबसे ख़तरनाक हिस्सा जिसमें बर्तन धोने पड़ते हैं। हाँ इस, अरे वाह देखिए भाई साहब पानी का कितना यूटिलाइज हो रहा है। प्लेट नन्नू हल्के, प्लेट प्लेट का पानी नीचे बर्तन में। तो भाई मौसम भी कुछ बारिश का जैसा हो रहा है भाई, भाई जल्दी जल्दी कर लो तो यहाँ से निकले फटाफट। डालू पापा पानी डाल के तो मैं डाल दूँ ना? हाँ गिरा तो मुझे डांटना मत। देखिए भाई हमारा किचन हो गया पैक, डस्टबिन ये नीचे। केवल डेढ़ घंटे के अंदर हमने खाना बना के खा के चाय पी के और सब पैक, बर्तन धो के जो कचरा है हमारा वो हमारी पॉलीथीन में है, सारा हमारा कचरा हमारी पॉलीथीन में है जो हम कहीं पे भी डिस्पोज करने के लिए डाल देंगे। रेडी टू गो। ऐसे टांगे चलाओगे? अकेले कर लिया आपको मेरी सब चीज़ पड़ी मोर एडवांस। पैंथर पापा ये देखो अब यार ये सब बंद हो गया, अब क्या खोलना है तुझे? अभी तूने खाना नहीं खाया? हद है यार इस लड़के की। क्या है? तो भाई हमारी कैंपिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया, बढ़िया तरीके से हम लोग बैठे हैं यहाँ काफ़ी देर, हम लोग डेढ़ घंटा हमने अपना पूरा यहाँ एंजॉय किया बहुत बढ़िया तरीके से, और यहाँ पेड़ थे अच्छे, पास में जंगल का व्यू आ रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था यार कि बस लग नहीं रहा था हमें घर पर ऐसा, हम सोच रहे थे कैसे करेंगे क्या करेंगे, फर्स्ट डे कैंपिंग थी मगर मज़ा आ गया। ये अच्छा किया इसने भी, बहुत बढ़िया लगा जिस तरह से इनने फटाफट सब, कोई थकान अकान किसी बच्चे ने नहीं दिखाई, संगीता ने भी सब काम रेडी एकदम तुरंत कि बना के दाल चावल फटाफट हम लोग को सबको सर्व किया, हम लोगों ने खाया और बहुत मज़ा आया हम लोगों को, और आगे भी देखते हैं अभी हम लोग और भी एंजॉय करेंगे, आप बने रहो साथ में। अब हम अपने रिजॉर्ट चलते हैं। चलो छोड़ जाओ मुझे, छोड़ के चले जाओ, बंद कर दे सब कुछ, सब बंद कर दे। आप मैं आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहूँगी, कह दिया मैंने तुम्हें खत्म हो जाती दाल चावल। बाय बाय गाइस, मेरे को उठा लेना फिर यहाँ से, लौटते पे ले लेंगे, मैं तो आपका कैमरामैन हूँ। चलो ठीक है कैमरामैन, चाय आपके साथ। बाय बाय ओ भाई।